करेले एक ऐसी डिश है जो कि सबको पसंद करते हैं। बहुत आसान है बनाना। एक आसान सा सादा सा तरीका आज बताऊंगा आपको मैं। सब कुछ अच्छी तरह से काट लें, एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें, उसमें करेलों को डाल के हल्का सा फ्राई करें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, हल्के से करने हैं, जस्ट इनको बाहर निकाल लें। उसके बाद इसी तेल के अंदर आप टमाटर अपना प्याज शामिल करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें, हल्का सा फ्राई करें, ब्राउन नहीं करना आपने, सिर्फ इसको नरम करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना आपने। उसके बाद इसमें लहसुन डालें, इसमें टमाटर शामिल करें, उसके बाद इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और शिमला मिर्च का पाउडर अगर है तो डाल लें। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें, जब समझे सारा कुछ मिक्स हो गया तो इसमें करेले डाल लें। करेले डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भून लें, भूनना ज़रूरी है ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से शामिल हो जाए इसके अंदर। जब समझे 5 मिनट आपने भून लिया है तो उसके बाद इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। कम से कम 10 मिनट तक इसको पकाएं कवर करके, उसके बाद इसकी साइड चेंज करें और दोबारा इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। आपके ज़बरदस्त किस्म के करेले तैयार हैं।